नमस्कार, न्यूज अब तक से वरुण शर्मा और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि 22,000 से ज्यादा नियमित दर्शक और 30 लाख से ज्यादा व्यूज के साथ आज आपने अपने न्यूज अब तक को सतना जिले का सबसे बड़ा वेब डिजिटल पोर्टल बना दिया है। आज की खबर है सतना की समाज सेविका और अब भाजपा नेत्री सपना वर्मा की, जिन्हें लोग डॉक्टर सपना वर्मा के नाम से जानते हैं। इस समय इनके मेडिकल कैंप की सब जगह चर्चा है और 12,000 से ज्यादा लोगों का इलाज इस कैंप में हुआ है। इस कैंप में अभी तक लोगों की महंगी से महंगी जांचें भी की गई हैं और उनकी रिपोर्ट वितरण का कार्यक्रम आज सपना के बीटीआई ग्राउंड में हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सांसद गणेश सिंह, जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। डॉक्टर सपना वर्मा ने बताया कि यह मेडिकल कैंप लोगों की सेवा के लिए है। कई लोग इसको सियासत से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए आई हूं। इस कैंप के दौरान ही उन्होंने एक बच्ची को भी आज गोद लिया है, जिसके दवाई का जिम्मा उनकी मधुरमा सेवा संस्थान ने लिया है। सपना वर्मा ने बताया कि बच्ची बीमार है, उसे आगे इलाज की जरूरत है, इसलिए इस बच्ची को अब वो इलाज कराएंगी और जहां तक उसके इलाज की संभावनाएं बनेंगी वहां तक हमारा संस्थान उसका इलाज कराएगा। इस दौरान बच्ची के पिता माता सभी भावुक हो गए। बच्ची को हमने दिल से और सम्मान के साथ हमने इसको गोद लिया है। ये बच्ची हमारे कैंप के दौरान मधुमा सेवा संस्था का स्वास्थ्य शिविर चल रहा था, उसके दौरान ये हमारे सामने आई और इसकी पहली भूमिका थी कि मुझे देखकर रोने लगी। और मुझे आज उस वक्त मैंने जब इसको खड़ा किया तो वो खड़ी नहीं हो पा रही, तो मुझे उसके आंसुओं का कारण समझ में आया। उसने मुझे बोला कि आंटी, मेरा भाई भागता है, मैं भाग नहीं पाती हूँ। और वो बहुत ही ममता से भरा हुआ एक पल था जो मैंने इस बच्ची ने मुझे महसूस कराया। और मैं आज सबसे इस माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब समाज में आगे आएं और समाज सेवा में स्वास्थ्य के प्रति अगर हमारे आसपास किसी लोगों को ज़रूरत है तो उनको हम एक रास्ता दिखाएं, उनके लिए हम जो कर सकते हैं तन मन धन से खड़े होकर करें, उसके लिए किसी भी बेइज्जती, डर या किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ आपके मन में आड़े ना आए। आज इस बच्ची को हमने फिर एक्सरे कराया और अब इनका ऑपरेशन होना है। बड़े डॉक्टर से चर्चा चल रही है, बच्ची उम्र में बहुत छोटी है, पिता हैं इनके, ये हमारे साथ संपर्क में हैं और अब इसका इलाज हो सकता है सपना, अगर संभवता हमको देखा कि कहीं बड़ी जगह ले जाके इनका इलाज कराना है तो संस्थान उसको भी जिम्मेदारी दे दी। मधुरिमा सेवा संस्कार संस्थान ने एक अनूठी पहल की हमारे जिले के शहर के लिए और डॉक्टर सपना वर्मा जी ने यहाँ पर गरीबों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया। ऐसे 12,000 लोगों का परीक्षण करा करके उनकी क्या बीमारी है उनको उनसे अवगत कराया, उनको इलाज मुफ्त में देने का काम किया। ये वाकई में बहुत प्रशंसनीय काम है और इसका मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सबसे बड़ी चिंताजनक बात ये थी, जो भी जांच रिपोर्ट आई है उसमें से डायबिटीज और एनीमिया एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, एक बीमारी सामने आई है, इसके रोकथाम के लिए भविष्य में इस तरह की बीमारी में समुचित इलाज हो जाए, इसके लिए क्या प्रयास है? बिल्कुल सही बात है कि जो जांच रिपोर्ट आई है उनमें अधिकांश में तो डायबिटीज आया है और एनीमिया आया है। ये दोनों बहुत गंभीर बीमारियाँ हैं और हमारे क्षेत्र में इतना तेज गति से फैल रही है। हालाँकि डायबिटीज तो पूरे देश में आम बीमारी जैसी बन गई है, लेकिन इस पर भी मैंने आज कहा है अपने उद्बोधन में कि मधुरिमा सेवा संस्कार संस्थान जो रिपोर्ट तैयार की हैं उनको वो WHO को भेजें, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजें, राज्य सरकार के मंत्रालय को भेजें और इस पर मेरी पहल होगी कि इसका एक विधिवत परीक्षण रोकथाम करने के लिए क्या किया जा सकता है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहले यह कहा जा रहा था कि जांच की रिपोर्टें नहीं आ रही और कैंप में कहीं ना कहीं लोगों के साथ कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन आज के कार्यक्रम से यह बात स्पष्ट हो गई है
कि हजारों लोगों ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की है, उनकी फाइल बनी है और कई मरीजों की टेली कॉन्फ्रेंसिंग से आज दवाइयां भी बताई गई हैं जिन्हें सेवा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। न्यूयॉर्क तक से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।